मसाज सर्विस की छानबीन में एक ज्वेलरी डिजाइनर बुरी तरह से फंस गया है। उसकी पत्नी का मॉर्फ किया हुआ फोटो एक डेटिंग साइट पर डाल दिया गया है। पीड़ित ज्वेलरी डिजाइनर पालघर में रहता है, मुंबई के अंधेरी में सर्विस करता है। खबर के मुताबिक पीड़ित 14 दिसंबर को मसाज सर्विस के लिए फोन किया था। उस समय सामने वाले व्यक्ति ने 5 लड़कियों का फोटो भेज दिया। उसने कहा किसी एक लड़की को चुनकर चर्चगेट के मसाज सेंटर में पहुंच जाए। पीड़ित ने लड़की को पालघर में भेजने के लिए कहा, तब उस व्यक्ति ने उसे 50,000 की मांग की। रकम ज्यादा है, इसके लिए पीड़ित ने फोन रख दिया। 2 दिन बाद पीड़ित को उसके व्हाट्सएप पर एक लिंक मिली। उस लिंक को खोलने पर पीड़ित व्यक्ति की पत्नी का फोटो और आगे सेक्स वर्कर लिखा था। उसने इसकी शिकायत पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई। पुलिस मसाज सेंटर के फोन करने वाले नंबर को ट्रैक कर रही है। सर, MIDC पुलिस स्टेशन च्या हद्दीमध्ये आपला मसाजचा एक गुन्हा दाखल आहे, फसवणूकचं। काय मामला काय आहे? MIDC पुलिस स्टेशनमध्ये 26 तारखेला हा गुन्हा दाखल झालेला आहे। मूलतः हा गुन्हा पालघर डिस्ट्रिक्ट पोलीस स्टेशन इथे दाखल झालेला होता। तिथून हा गुन्हा दाखल होऊन आमच्याकडे आलेला आहे। त्याची थोडक्यात हकीकत अशी आहे की जे फिर्यादी आहे त्यांनी मसाजसाठी एका नंबरवर फोन केलं होतं आणि जे मसाजचे रेट्स यांना जास्त वाटले तर त्यांनी जर नाही म्हटल्यावर समोरची जे पाठी आहे तर ह्यांचा आरोप असा आहे की त्यांनी ह्यांच्या फेसबुक प्रोफाईलवरून ह्यांच्या वाईफचा फोटो काढून किंवा फोटो क्रॉप करून अश्लील फोटो बनवून वेबसाईटवर टाकलेले आहेत। जेव्हा यांनी परत त्या नंबरवर कॉन्टॅक्ट केलं तेव्हा त्या व्यक्तीने यांच्याकडनं 50,000 रुपयाची खंडणी मागितलेली आहे त्या फोटोज डिलीट करण्यासाठी। तर खंडणी आणि ITI Act चा गुन्हा MIDC पोलीस स्टेशनमध्ये आम्ही दाखल केलेला आहे आणि पुढचा तपास